हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। मेमल्स हमारे पास सबसे पहले क्या होते हैं और कौन से होते हैं? मेमल्स वो होते हैं जो अपने ऑफस्प्रिंग्स को, अपने बच्चों को फीड कराते हैं, उन्हें हम मेमल्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन, कैट, डॉग, बैट्स, ये सब कुछ क्या है? मेमल है, ठीक है। बुफेलो, ये सब कुछ क्या है? मेमल्स हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, अब ये फूड कैसे डाइजेस्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें ये प्रोसेस होते हैं। पहला होता है इंगेशन, यानी द सेलुलर ईटिंग प्रोसेस इज नॉन इंगेशन, यानी जो हम खाना मुंह में डालते हैं ना, इस प्रोसेस को इंगेशन कहते हैं। पेरिस्टॉल्सिस, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये इनवॉलंटरी होती है और ये सीक्वेंस में मस्कुलर कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी रिलैक्स करते हैं। ये उस जो हम फूड अंदर अपने माउथ में लेते हैं, इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टिव ट्रैक के पास भेज देते हैं, ठीक। सेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये जो फूड गया है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वहाँ पे फूड जाके डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक। मिक्सिंग द कंटेंट्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, यहाँ पे कंटेंट वो किसको कह रहा है? फूड को। सिक्रीशंस, यानी बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट होती हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एंजाइम, स्पेसिफिकाइंस, जो कि हमारे पास जो हार्मोन्स और केमिकल्स होते हैं वो टेक पार्ट करते हैं इन डाइजेशन। उसके बाद होती है एब्जॉर्प्शन, यानी जो यूजेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में मूव करते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में, वहाँ से क्या होता है? फॉर द फाइनल पैसेज टू द बॉडी सेल्स, वहाँ से बॉडी सेल्स में चले जाते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है डेफिकेशन, आप डेफिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब मटेरियल, यानी रिमूवल ऑफ फीसिस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज डेफिकेशन, ठीक। ये 7 प्रोसेस होते हैं मेमेलियन में फूड डाइजेशन के लिए, ठीक है। पहला क्या था? इंजेशन, पेरिस्टॉल्सिस, देन सेगमेंटेशन, सिक्रीशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। अगेन रिपीट करें, इंजेशन, पेरिस्टाल्सिस, सेगमेंटेशन, सिक्रीशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड डेफिकेशन, ठीक। अब क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी एंड इट्स कंट्रोल, ये क्या होती है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी, इसको हम पढ़ते हैं। एज विद एनी ऑर्गन द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ टिश्यू इट कंटेन्स। अब क्या होता है? फ्रॉम द आउटसाइड इनवर्ड अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द सिरोजा। अब इसमें क्या होते हैं? इसमें ये कुछ चीज़ें हैं जिसे हम पढ़ेंगे। पहला है सिरोजा, फ्रॉम द सिरोजा क्या होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम सिरोजा कहते हैं, ये एक शीट बनाता है जिसे हम एपिथेलियल शीट कहते हैं, जिसको हम एक एपिथेलियल शीट बनाता है जो कि बहुत सी मॉइस्ट होती है, और ये क्या करता है? इसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। हमारी एब्डोमिनल की जो कैविटी होती है उसकी लाइनिंग पे मौजूद होती है, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सब को ये प्रोटेक्शन देती है, इसे हम कहते हैं सिरोजा, ठीक। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके बाद क्या आते हैं? मसल्स हमारे पास आते हैं दो, कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स, ठीक। अब बिलो दिस मस्कुलर लेयर क्या प्रेजेंट होता है? सब म्यूकोसा, इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लेकिन ये किस से बना होता है? ये एक मस्कुलर लेयर होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और लिम्फेटिक वेसल से बने होते हैं। म्यूकोसा में एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं ल्यूमन, फूड उस ल्यूमन के जरिए आउट और इन मूव करते हैं म्यूकोसा के, ठीक है। अब जैसे ये कोऑर्डिनेटिव कॉन्ट्रैक्ट मस्कुलर लेयर कॉन्ट्रैक्ट करती है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के साथ, तो जो फूड होता है वो इसके साथ आके मिक्स हो जाते हैं, ठीक। ये है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी और इसका कंट्रोल। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, अब कौन कौन सी टाइप ऑफ मूवमेंट है? पेरिस्टाल्सिस है, सेगमेंटेशन है। पहली है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या करती है? अगर आप ऊपर ही देखें तो आपने क्या पढ़ा था कि वो मूव द फूड, ये इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है दैट मूव द फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इस नोन एज पेरिस्टाल्सिस। आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ये वाली भी। ड्यूरिंग पेरिस्टाल्सिस फूड एडवांस थ्रू द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक विद द रिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बिहाइंड इट एंड रिलैक्स एंड फ्रंट ऑफ इट। जहाँ पे जब फूड ने मूव करना होता है तो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब मूव कर जाता है तो रिलैक्स करती हैं, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक। यानी मूव कहाँ पे करते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक के अलोंग। सेगमेंटेशन क्या होती है? स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के पास रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है? जो स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, इसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं।
क्रिएटिंग एंड ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इन द सेम प्लेस, जिसे हम सेगमेंटेशन, बैक एंड फोर्थ मूव करना यानी आगे पीछे, इसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रैग, अब हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, थ्रू स्फिंक्टर्स कंट्रोल करते हैं। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, आल्सो इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, ये जो फूड होता है उसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर भेजते हैं और प्रिवेंट करते हैं उसको वापस आने से, ठीक है। ये स्मूथ और स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है, ये रीजन्स ऑफ गट ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पे होते हैं, इसोफेगस एंड स्टमक, पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होते हैं, कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक जो होती है ये फूड पे जो ल्यूमन और गट में प्रेजेंट होते हैं उस पे डिपेंड करते हैं, जैसे इंजेस्टेड फूड जो है डिस्टेंड द गट एंड स्टिमुलेट मैकेनिकल रिसेप्टर इन द गट वॉल। अब जो फूड हम इंजेस्ट करते हैं, इंगेस्ट करते हैं, वो गट में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल रिसेप्टर्स बनते हैं जो उस फूड की डाइजेशन करते हैं। जैसे हमारे पास एमाइलेज है, स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है ना एक एंजाइम्स हैं, वो क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन इन। अब ये जो डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की, ये कुछ केमिकल रिसेप्टर सिक्रीट कर देती है गट की वॉल में। अब ये जो केमिकल रिसेप्टर सिक्रीट हुए हैं, ये सिग्नल भेज देंगे थ्रू नर्व इम्पल्सिस से ऊपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहाँ से जो है वो सेगमेंटेशन और पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, सिक्रीशन होगी और ल्यूमन के अंदर बहुत सारे म्यूकस और एंजाइम्स बन जाएंगे। इन एडिशन टू द लोकल कंट्रोल, लॉन्ग डिस्टेंस नर्व पाथवे कनेक्ट द रिसेप्टर एंड इफेक्टर विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो नर्व पाथवे है, नर्व्स हैं, वो कनेक्ट कर देती हैं इफेक्टर और रिसेप्टर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। इधर बोथ दिस पाथवे फंक्शन टू मेंटेन होम्योस्टेसिस इन द गट, ये होम्योस्टेसिस यानी टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट हेल्प रेगुलेट सिक्रीशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के हार्मोन के अंदर, वो सिक्रीशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करते हैं। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में हमारे पास क्या होते हैं, लिप्स, टंग और टीत वगैरह होते हैं। लिप्स क्या करता है, ये हमारे पास टिश्यूज होते हैं, वास्कुलराइज्ड होता है, जो कि क्या करता है, स्केलेटल मसल टिश्यू से बना है, इसमें बहुत सारी नर्व एंडिंग होती हैं। लिप हमारा फूड जो मुंह के अंदर जाता है उसको वापस आने से रोकते हैं और ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम खाना चबाते हैं, ठीक। ओरल कैविटी के अंदर अब दूसरा क्या रह गया, टंग और टीथ। मैमल जो हैं उनके पास टंग होती है, मैमल के पास पहले तो टीथ होते हैं जो इन एनिमल्स होते हैं जो कि उन्हें हार्ड से हार्ड चीज़ को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद उनके पास टंग होती है, टंग के ऊपर स्लाइवा होता है, स्लाइवा क्या करता है, स्लाइवा में एक एंजाइम होता है एमाइलेज जो कि डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट की। स्लाइवा जब हम फूड अंदर मुंह में डालते हैं, खाना रोटी का नवाला मुंह में डालते हैं, स्लाइवा उस नवाले को मॉइस्ट कर नरम कर देता है स्लाइवा के साथ और उसको एक बोलस की फॉर्म में चेंज करता है, जिसे टंग जो है वो हमारे अंदर वो मुंह के अंदर गले तक पहुंचाती है, ठीक। अब क्या होता है कि फेरिंग्स तक पहुंचाती है। स्लाइवा में अब बाइकार्बोनेट आइंस भी होते हैं, लाइसोसोम्स भी होते हैं, थाइसिनाइट आइंस भी होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या आता है, फेरिंग्स और इसोफेगस। फेरिंग्स और इसोफेगस क्या होते हैं, ये बोथ जो है ये फूड स्वेलो करते हैं और लिक्विड पास होते हैं माउथ से फेरिंग्स में फॉर डाइजेशन एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक। एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है वो ट्रैकिया के अंदर मूव नहीं करता। इनिट्यूएशन जो हमारे पास स्वेलोइंग स्टार्ट होती है वो तो वॉलंट्री होती है, लेकिन जैसे वो गले से नीचे उतर जाती है वो इनवॉलंट्री हो जाती है, ठीक। ये था हमारे पास फेरिंग्स और इसोफेगस। स्टमक क्या होता है, स्टमक हमारे पास मेमेलियन का जो स्टमक होता है वो मस्कुलर होता है, उसमें हमारे पास तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं, पेराइटल सेल जो कि ACL सिक्रीट करते हैं, चीफ सेल जो कि पेप्सिनोजेन होते हैं और ये एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में चेंज होते हैं, बोथ जो होते हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के पिट पे प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस सेल्स होते हैं वो सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं और ACL और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करती हैं, स्टमक से स्टमक को प्रोटेक्ट कर दिया इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम से। अब क्या होता है, हमारे जब बोलस एंटर हो जाते हैं स्टमक के अंदर तो ये वॉल ऑफ द स्टमक डिस्टेंड हो जाती है, ये डिस्टेंशन की वजह से ईटिंग प्रोसेस में जो गैस्ट्रिक पिट्स होती हैं वो ACL सिक्रीट करती हैं और पेप्सिनोजेन। अब स्टमक की जो अंदर वाली चीज़ है, अंदर वाली वॉल है, वो क्या होती है, वो प्रोटेक्टिव होती है। जब स्टमक से बाहर फॉर एग्जाम्पल अगर हम वोमिट आती है तो जैसे ही हमारे माउथ के पास पहुँचती है तो हमें जलन सी होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि इधर कोई भी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी लेयर नहीं है जो माउथ को प्रोटेक्ट करे ACL से,
तेजाबियत से, ठीक। अब जब हम स्टमक खाली होता है तो जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स होती हैं वो सीज कर जाती हैं, सुकड़ जाती हैं। हाउ एवर 10 आवर्स ऑफ फास्टिंग 10 आवर्स ऑफ न्यू वेव्स में एक दोबारा न्यू वेव जनरेट होती हैं अपर रीजन ऑफ द स्टमक में। इनको दीज वेव्स, ये जो वेव्स होती हैं ये हंगर पैंग्स कॉज कर देती हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, इट वॉज अवर टूडे लेक्चर। डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, कमेंट।